दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बड़ा स्कोर बनाकर भी भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से हार गई और भारतीय क्रिकेट टीम की इतनी बुरी हार को देखने के बाद तो महेंद्र सिंह धोनी भी आग बबूला हो चुके हैं और धोनी ने गुस्से में हार के वो 5 कारण बता दिए हैं जिसके चलते इस जीती हुई बाजी को आज भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से हारी है। तो आखिरकार वो क्या है 5 कारण जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम चाहकर भी मैच को नहीं जीत पाई और धोनी ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज भारत की हार का कारण कौन सा खिलाड़ी बना, नीचे कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 के बाद अब वनडे सीरीज का दौर आ चुका है। आपको बता दें कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है जहां पर T20 सीरीज को तो पांड्या की कप्तानी के अंडर हमने 1-0 से जीत कर अपने नाम कर लिया। लेकिन अगर बात वनडे सीरीज की करें तो वो भी आज से शुरू हो चुकी है लेकिन शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। ऑकलैंड के मैदान में दोस्तों जैसे ही समय निर्धारित ये मैच शुरू होता है वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलता है। अब बल्लेबाजी में शुरुआत बहुत अच्छी रहती है, ना सिर्फ शिखर धवन बल्कि शुभमन गिल भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों शुभमन गिल भी जहां 50 रन लगाते हैं तो शिखर धवन का तो क्या ही कहना, 70 से ज्यादा रन अपनी पारी में लगा कर जाते हैं। हालांकि दोस्तों सूर्य और पंत फिर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं, दोनों मिलकर 20 रन तक नहीं बना पाते और इसके बाद दोस्तों जो मैदान में आकर श्रेयस अय्यर करते हैं वो तो ऐतिहासिक था। दोस्तों श्रेयस अय्यर आज 80 रन की वो चमत्कारी पारी खेलते हैं जिससे भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे अच्छी व सबसे सुखद बढ़त मिलती है। और दोस्तों जाते जाते सुंदर भी तो अपनी पारी में 14 गेंद में 36 रन लगाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय टीम 300 के आंकड़े को पार कर लेती है और 307 रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ा ही देती है। इतने बड़े लक्ष्य को चेस करना आसान नहीं था लेकिन जब एक टीम बार बार गलतियां दोहराए एक ही मैच में तो भला उनको सरजमी पर अपनी कैसे छोड़ सकती है न्यूजीलैंड की टीम। दोस्तों पहले 10 ओवर में मात्र एक ही विकेट मिला वो भी शार्दुल ठाकुर को फिन एलन के रूप में। फिर मान लिया कि उमरान मलिक की रफ्तार का जादू भी चल गया था, भारी के 16वें ओवर में उन्होंने डिवॉन कॉनवे को आउट किया और आगे चलकर डेरिल मिशेल का भी विकेट उन्होंने ही प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई में बहुत ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि दोस्तों भारतीय गेंदबाज इस मोमेंटम को जारी नहीं रख पाए। जब विकेट लेने की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी विकेट नहीं लिए और सबसे ज्यादा रन लुटा दिए जिसका नतीजा ये रहा कि कप्तान केन विलियमसन अपने शतक की जड़ तक पहुंच गए थे। उधर टॉम लेथम तो 110 रन बनाकर भी चौके पर छक्के जड़ रहे थे और अब जब 50 गेंद में 50 रन चाहिए थे 7 विकेट बचे थे तो भला न्यूजीलैंड कैसे नहीं जीतता। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की इसी बुरी हार को देखकर अब धोनी भी बुरी तरीके से बौखला उठे हैं और अपने बयान में तो दोस्तों उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम पर कुछ ऐसा कह दिया है और वो 5 कारण बता दें जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत की हार के कारण बताते हुए अपने बयान में कहा, यह बहुत ही दुखद लम्हा है मेरे लिए क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने मेहनत करी तो वही कुछ खिलाड़ियों ने उस मेहनत को बर्बाद भी किया। हम चाहते तो इस मैच को बड़ी आसानी से जीत सकते थे लेकिन मेरे नजरिए में ऐसे 5 कारण भी रहे जिन्होंने भारत को जीतने ही नहीं दिया और यदि ये 5 कारण सही रहते तो भारतीय क्रिकेट टीम न सिर्फ इस मैच को जीतती बल्कि बड़ी शान से जीतती। हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण टीम के मिडिल ऑर्डर में छुपा हुआ है, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत। पंत ना अपनी फॉर्म बेहतर कर रहे और सूर्य ना वनडे में कुछ कर पा रहे। T20 में ही रन नहीं लगाने, अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है, आपको मिडिल ऑर्डर में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर ये 2 खिलाड़ी चल जाते तो हमें वो अतिरिक्त 50 से 100 रन मिलते जिससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। हार का दूसरा कारण मेरे नजरिए में ये बना कि जब खिलाड़ियों ने इतने अच्छे रन बना ही दिए थे तो गेंदबाजों को पावर प्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकेट्स निकालने थे। पहले 10 ओवर के अंदर एक ही विकेट मिला, वहां पर अगर 3 झटके लगते तो अगले 10 ओवर में 1-2 विकेट आने की संभावनाएं थी। लेकिन पावर प्ले में विकेट ना मिलना एक बड़ी समस्या है जिसे भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी हार का कारण बनवा लिया और हार का तीसरा कारण भी गेंदबाजी में छुपा है। गेंदबाजों ने मोमेंटम बनाया, इमरान मलिक ने अच्छा डेब्यू किया, विकेट भी लिए लेकिन बाकी गेंदबाजों का क्या, क्या उन्हें विकेट लेना याद नहीं था? उनको भी विकेट लेकर मोमेंटम को बरकरार रखना था। रेगुलर विकेट्स निकलते तभी इस मैच को जीत सकते थे क्योंकि केन विलियमसन और लेथम के बाद इतनी बड़ी पारी खेलने का दम शायद ही किसी में था। तो वहीं अगर हार के चौथे कारण की बात करें तो वो थी मिसफील्डिंग और हार मान लेना। खिलाड़ी एक वक्त पर ये सोच चुके थे कि रन इतने ज्यादा बना रहे हैं लोग कि हम इस मैच को जीत ही नहीं पाएंगे। ऊपर से अगर उमरान मलिक ने 2 विकेट लिए तो 10 ओवर में 70 रन दे भी तो डाले हैं और बाकी गेंदबाजों ने भी अपना अपना 50 लगवाया है, तो अतिरिक्त रन लुटाना
वक्त से पहले हार मान लेना भारतीय क्रिकेट टीम की हार का चौथा और एक मुख्य कारण बना। और पांचवा कारण बना है बुमराह की कमी खलना। वाकई में आज जसप्रीत बुमराह की कमी खली क्योंकि स्कोर पर लक्ष्य बहुत ज्यादा भी कम नहीं था। बुमराह होते तो मोमेंटम बनता तो विकेट्स मिलते और विकेट्स मिलते तो हम इस मैच को जीत जाते। यही है वो पांच कारण जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को जीतना नहीं दिया या फिर खुद भारतीय खिलाड़ियों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपने देश को आज हरवा दिया है। दोस्तों धोनी भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद बेहद ही गुस्सा है, लेकिन उनके मुख से निकला एक एक कारण वाजिब है। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है भारतीय क्रिकेट टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उमरान, बुमराह और हर्षदीप में सबसे बेहतर कौन है, इसका भी जवाब दीजिएगा। ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।